वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर वृद्धि। और आज के 75 हार्ड डे चैलेंज का आज फोर्थ डे है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे मस्त और सबसे बेस्ट बुक अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन। जो फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड आप जो बुक पढ़ सकते हो बेस्ट इज रिच डैड पुअर डैड। तो इस बुक के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, जो बेस्ट टेकअवेज है मैं वो आपको बताऊंगा। और डिटेल में अगर आपको इस बुक के बारे में पढ़ना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बुक बाय करने के लिए, आप जाके बाय कर सकते हो। और इसमें जो जो आपको सीखने को मिलेगा, आप डिटेल में चीजों को पढ़ोगे कि दुनिया कैसे रन करती है, फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे रन करता है। तो जब आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा हाउ यू शुड प्लान योर फाइनेंशियल लाइफ, फाइनेंशियल गोल किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। वो सारी बातें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी और पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है रिलेटेड टू फाइनेंशियल एजुकेशन। और ये बुक हर बंदे को पढ़ना चाहिए, अगर आप टीनेजर हो, अगर आप एडल्ट हो, अगर आप आपकी 20s में हो या 30s में हो या 40s में हो। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा तो एक बार नहीं, मैं आपको बोलूंगा दो तीन बार तो कम से कम इस बुक को पढ़ना, जिससे कि आपकी एजुकेशन, आप जिन चीजों को बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठेंगी और चीजों को आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे आपकी लाइफ में। ठीक है, और जहां तक रही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो टोटल बुक की समरी है मैं वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस बुक के ऑथर है हमारे रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, अब रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड एंड पुअर डैड बुक फर्स्ट पब्लिश की हुई थी 1997 में, और क्विकली बिकम अ मस्ट रीड फॉर पीपल। और एक मतलब बहुत मतलब वायरल टाइप की रहती ना उस टाइम पे, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी ये बुक, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड मनी और ग्लोबल इकोनॉमी कैसे रन करती है उससे रिलेटेड। ये बुक ट्रांसलेट हो गई मतलब हर भाषा में, लगभग हर भाषा में ये बुक ट्रांसलेटेड हो चुकी थी। और पर्सनल बेस्ट बुक फर्स्ट नंबर पर बुक बेस्ट बुक है रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, द ओवर रीचिंग थीम ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड इज हाउ यू यूज मनी एज अ टूल फॉर वेल्थ डेवलपमेंट। और इस बुक का एक ही गोल है कि आप आपके पैसे को कैसे यूज करते हो, पैसा और पैसा बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इट डिस्ट्रॉय द मिथ दैट द रिच आर बोर्न। देखो ये एक मिथ खराब डिस्ट्रॉय करती है, कि मतलब जो एक मनगढ़ंत रहती है, लोग सोचते हैं कि अमीर पैदा होते हैं, अमीर बना भी जा सकता है, वो ये मेंटेलिटी देती है आपको। एक्सप्लेन भाई, योर पर्सनल रेसिडेंस मे नॉट रियली बी एन एसेट, डिस्क्राइब द रियल डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड द लाइबिलिटी एंड मच मोर। तो ये सारी चीजें इसके बारे में बात की है। ठीक है, की टेकअवेज जो मैंने सीखे हैं इस बुक से वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कवर करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 6 लेसन हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 5 ऑब्स्टिकल जो हमारे रास्ते में आते हैं उनके बारे में बताएंगे, जो 10 स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं, और एक एक्शनेबल तरीका हम कैसे टू डू लिस्ट बना के, एक एक्शन प्लान बना के इस बुक में जो चीजें सीखी हैं उनको कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज रिच डैड पुअर डैड की समरी। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड कंटेन 10 चैप्टर कंटेन रहते हैं। ठीक है, प्लस द इंट्रोडक्शन, बट मच ऑफ द बुक इज फोकस्ड ऑन द फर्स्ट 6 पार्ट। और ये पूरी बुक है ना, इसमें 10 पार्ट है और उसमें स्टार्टिंग के 6 पार्ट है ना, उन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और अगर उन जो 6 पार्टों को अगर आप डिटेल में रीड कर ले तो बाकी ऐसे हैं कि वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को, जो 6 चैप्टर में पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आपके बाकी के 4 चैप्टर। ठीक है, तो वी विल कवर द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 6 लेसन, देन रिमेनिंग 4 सेक्शन लेटर इन दिस रिव्यू। ठीक है, इन इस जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो पहले हम 6 चैप्टर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिर उसके बाद, ठीक है, इन दिस वीडियो ओ बुक समरी रिव्यू आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट, कि अभी स्टार्टिंग में हम 6 चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद 4 मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, जो अमीर लोग रहते हैं ना वो पैसे के लिए काम नहीं करते। ठीक है, ये है फर्स्ट चैप्टर का नाम, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, हमको क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना चाहिए, हमारे दो हमारे परिवार में लोगों को, हमको खुद को क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अगर आप बड़े हो, अगर आपके 40s में हो या 60s में हो या 50s में हो, आपके बच्चे को आपको फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल एजुकेशन किसी भी स्कूल कोचिंग क्लासेस किसी भी एमबीए फाइनेंस जो भी आप लोग पढ़ते हैं ना, उनको
जो रियल फाइनेंशियल एजुकेशन है वो दिया ही नहीं जा सकता, बट उनको बता दीजिए हाँ ऐसी चीजें रन होती हैं, जॉब करोगे फिर पैसा आएगा, फिर वो चीज रहेगी, तो उस तरीके से चीजें नहीं रहती। हमको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखाया ही नहीं जाता, क्या लाइबिलिटी रहती है, क्या एसेट रहता है, क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। चैप्टर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन, देखो जो हिस्ट्री के बारे में, जो टैक्स से रिलेटेड हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे, और कॉरपोरेशन क्या रहता है। हाँ, और चैप्टर 5 द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोगों ने इजाद की थी पैसे को। ठीक है, चैप्टर 6 वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। देखो अगर आप कोई भी काम सीख रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी आपके जीवन में लाइफ कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी के अंडर गाइडेंस में इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो कुछ एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई मत करो, आप सीखने के लिए पढ़ाई करो, तो आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप सीखते सीखते जॉब करोगे ना, चीजों को अप्लाई करोगे आपकी लाइफ में, और प्रॉपर सीखने की एक जिज्ञासा, एक हंगर आपके अंदर होगी ना, तो आप बहुत तरीके से अच्छे से काम कर पाओगे। पैसों के लिए चीजें करोगे ना, तो उस तरीके से चीजें आप नहीं हो पाएंगे जिस तरीके का आप सोचते हो, और आप फ्यूचर में उतना अचीव नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड हैड टू मैन इन्फ्लुएंशियल फादर। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो फादर थे, ठीक है, दो मतलब कैरेक्टर थे। ठीक है, पुअर डैड वॉज कियोसाकी बायोलॉजिकल फादर, जो उनके बायोलॉजिकल फादर थे वो पुअर फादर थे। ठीक है, अ मैन हु वॉज हाईली इंटेलिजेंट एंड वेरी वेल एजुकेटेड, वो बहुत पढ़े लिखे थे, PhD होल्डर थे और मतलब बढ़िया थे। ठीक है, पुअर डैड बिलीव्ड इन स्टडिंग हार्ड एंड गेटिंग गुड ग्रेड, और उनके पुअर डैड थे वो मतलब मेहनत करो, जोर से मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, 10th में नंबर लाओ, 12th में नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज पढ़ो, एक अच्छी नौकरी ले लो, तो उनकी वो इस तरीके की सोच थी। ठीक है, देन फाइंडिंग अ प्लेइंग जॉब, ठीक है, गुड पेइंग जॉब। ठीक है, डेस्पाइट दिस सीमिंगली पॉजिटिव एट्रीब्यूट, मतलब बढ़िया बात है पॉजिटिव, पुअर डैड डिडंट डू वेल फाइनेंशियली, और उसके जो रॉबर्ट कियोसाकी जो पिताजी थे उन्होंने फाइनेंशियली जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए थे। ठीक है, व्हाइल रिच डैड, और जो रिच डैड थे वो इज द फादर ऑफ कियोसाकी बेस्ट फ्रेंड, और जो रिच डैड थे ना जो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो उसके दोस्त के पिताजी थे। ठीक है, ही हैड अ सिमिलर टू वर्क एथिक टू कियोसाकी रियल डैड, जो और कियोसाकी के रियल डैड थे, बायोलॉजिकल डैड थे, उनकी तरह उनके वर्क एथिक थे, बट ही हैड अ सिमिलर वर्क एथिक टू कियोसाकी रियल डैड, बट विद अ ट्विस्ट, रिच डैड बिलीव्ड इन फाइनेंशियल एजुकेशन लर्निंग हाउ मनी वर्क। ठीक है, एक ट्विस्ट था, ठीक है, दोनों मेहनत करने वाले थे, बट जो रिच डैड थे उनका एक साइकोलॉजिकल चीज थी, जैसे कि हम किसी उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड सीखने पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे और फाइनेंशियल चीजें, पैसा कैसे काम करता है इस पे उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू, और उनका सबसे क्लियर था कि पैसे को कैसे काम पे लगाएं वो और पैसा बनाए, तो उनका ये था। ठीक है, ऑल्दो ही वॉज एन 8th ग्रेड ड्रॉप आउट, और बाकी में वो 8वीं क्लास में ड्रॉप आउट ले लिया था उन्होंने, या 8वीं फेल कह सकते हो। ठीक है, रिच डैड इवेंचुअली बिकम अ मिलियनर बाय पुटिंग द पावर ऑफ मनी टू वर्क फॉर हिम। ठीक है, और जो रिच डैड थे उसके दोस्त के उसके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी थे वो अमीर कैसे बन गए, उन्होंने अपने पैसे को काम पे लगाया, पैसे ने पैसा बनाया, पैसे ने पैसा बनाया, और इस तरीके से वो मिलियनर बन गए थे। ठीक है, तो इस बुक में हम ये सारी चीज देखेंगे कि रिच डैड की तरह हम कैसे काम कर सकते हैं। दिस बुक इज रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है, अबाउट हाउ रिच डैड वेंट आउट अबाउट मेकिंग मनी। हाँ ठीक है, और उनकी क्या क्या गलती थी। ठीक है, दैट पुअर डैड मेड, ओके, द फर्स्ट 6 चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, जो मैंने आपको बताया। ओपन ऑप्शन टाइम, मतलब कभी कभी लोग समझते हैं, मैं इसको गलत तरीके से ले लेते हैं, इस चैप्टर के टाइटल गलत ले लेते हैं, एंड मिस्टेकली बिलीव दैट इट मीन्स द रिच डोंट वर्क। देखो इन फैक्ट द कंप्लीट अपोजिट इज ट्रू। ठीक है, अब देखो द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, ठीक है, अब इसका लोग क्या मतलब निकाल लेते हैं, ज्यादातर लोग मतलब जो प्रॉपर तरीके से, या तो उनकी इंग्लिश वीक रहती है या फिर और किसी कारण से, ठीक है, वो क्या मतलब निकाल लेते हैं कि अमीर लोग काम नहीं करते, बट उल्टा है इसके, अमीर लोग काम करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं। ठीक
है, और वो क्यों काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर लोग सोचते हैं अरे अमीर काम ही नहीं करता, अरे अमीर काम करते हैं ठीक है, तो ऐसा लोग मानने लगते हैं ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ रीडिंग द चैप्टर टाइटल एज द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, व्हाट कियोसाकी मींस टू से दैट इज द रिच डोंट वर्क फॉर मनी नॉट दैट बाय पुटिंग एम्फेसिस ऑन द वर्ड मनी दिस सेक्शन टेक्स एन एंटायरली डिफरेंट मीनिंग। देखो द रिच डोंट वर्क, अगर उस तरीके से आप करोगे ना तो उस तरीके से चीज अपोजिट चले जाएंगे ठीक है। वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है ठीक है। द ट्रुथ इज मेजोरिटी रिच पीपल डू वर्क वेरी हार्ड, जो अमीर लोग रहते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट दे गो अबाउट डिफरेंटली देन मोस्ट पीपल, ज्यादा लोग रहते हैं उन तरीके से डिफरेंट तरीके से करते हैं। द रिच पीपल एंड पीपल हु वॉन्ट टू बिकम रिच वर्क एंड लर्न एवरी डे हाउ टू पुट मनी टू वर्क फॉर देम। जो अमीर लोग अमीर बनना चाहते हैं लोग, और जो अमीर हैं वो एक चीज को सीख जाते हैं कि अपने पैसे को कैसे काम पे लगाया जाए कि जो और ज्यादा पैसा बना के दे ठीक है। द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली रहती है ना वो क्या करती है, वो पैसों के लिए काम करती है, जॉब करती है ठीक है, प्रॉपर बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो पैसों के लिए काम करते हैं, मजदूरी करते हैं लोग ठीक है। और पुअर जो गरीब लोग रहते हैं ना वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, और बल्कि जो अमीर लोग रहते हैं वो पैसों पे काम पे लगाते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। तो ये डिफरेंस है इस फर्स्ट चैप्टर का ठीक है। अब चैप्टर टू, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अब फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, द सेकेंड चैप्टर ऑफ द रिच डेड पुअर डेड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड लाइबिलिटी ठीक है। चैप्टर टू एरा ड्राइव फ्रॉम टाउन, हाँ ठीक है। एन एसेट इज समथिंग दैट, देखो अब मैं आपको, मेरे को अच्छे से पता है, मैं आपको एक बार प्रॉपरली बता देता हूँ ठीक है। देखो लाइबिलिटी और एसेट में मैं आपको सिंपल सा फर्क बता देता हूँ। एसेट वो चीज होती है जिसकी एसेट, अगर आपने कोई एसेट बाय किया ठीक है, और एसेट वो चीज रहती है जो आपके जेब में पैसा ला रही है, और लाइबिलिटी वो रहती है जो आपके जेब से पैसा लेके जा रही है। एज फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर आप एक कार लेते हो 20 लाख की, 15 लाख की, 10 लाख की, जो भी आपने ले ली, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने एक कार ले ली ठीक है। अब ठीक है आप उस कार को, मैं आपको बताऊंगा दो दो तीन आइडिया, आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ कि एसेट कैसे वर्क करते हैं और लाइबिलिटी कैसे वर्क करती है ठीक है। आपने 10 लाख की कार ले ली, अब वो आपकी एक एसेट है या लाइबिलिटी, अब मैं आपको बताता हूँ। अब वो आपकी लाइबिलिटी है, क्यों, आपके जेब में जितना भी पैसा था वो चला गया ठीक है। अब कार चलती है पेट्रोल पे, कार की लगती है सर्विस, कार में जो भी रिपेयरिंग का काम रहता है वो रहता है ठीक है, कुछ कभी कुछ गड़बड़ हुई, कभी कुछ गड़बड़ हुई, तो ये सारी चीजें हैं, ये लाइबिलिटी है जो आपके जेब से पैसा लेके जा रही है। और जो आप एक भी बार बाय करके आ रहे हो या फिर ईएमआई में बाय कर रहे हो, आपने 5 लाख दे दी और बाकी ईएमआई पे दे रहे हो, हर महीने आप दे रहे हो ईएमआई पे ठीक है, तो उस तरीके से वो आपकी जेब से पैसा खींच रही है, तो वो एक लाइबिलिटी है ठीक है। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं, अगर आप, आपके पास जैसे कि अपन ने 10-15 लाख की ली थी ठीक है, अब 15 लाख में आप सेकेंड काम भी कर सकते हो ठीक है। जैसे कि अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहो, एक अपन आइडिया अपन देखते हैं, अगर पार्टनरशिप में ही आप कर सकते हो, आप दो जने इकट्ठे होते हो और एक टैक्सी बिजनेस रन करते हो ठीक है, ओला उबर जो भी करना हो आपको ठीक है, तो उसको आप सेटअप कर सकते हो ठीक। 15 लाख की आपने, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, आप अगर आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, बट और मैं एक आपको परस्पेक्टिव दे रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो, या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लो और उसको रेंट पे लगा दो ठीक है। सेकंड, 15 लाख की आप 1.5-1.5 लाख की अल्टो वगैरह खरीद लो गाड़ी और उनको ओला उबेर पे लगा दो ठीक है, और लोगों को हायर करके ठीक है। 1.5 लाख की गाड़ी आई, 1.5 लाख के हिसाब से 10 गाड़ी कितने हुआ है, 15 लाख रुपए हुआ है ठीक है, और 15 नहीं 25 की अपन ले ली थी, एक काम करते हैं 30 लाख की ले लेते हैं, 20 गाड़ी आई, 20 गाड़ी अपन नहीं लेते, अपन उनको बैंक से ले लेते हैं, 15 गाड़ी ले ली अपन ने, और बाकी जो था आपने लोगों को पेइंग, लोगों को जॉब पे दे, जॉब पे रखने के लिए और बाकी चीजों करने के लिए पैसा लगा दिया ठीक है, आपकी कंपनी सेटअप करने के लिए पार्टनरशिप में ठीक है। अब जो आपने ये काम किया ठीक है, तो अब ये पार्टनरशिप में हो गया आपका ठीक है, तो आपका एक ये बिजनेस स्टार्ट हो गया ठीक है, एक ये काम कर सकते हो ठीक है। सेकेंड,
अब जो आपने जो बिजनेस सेटअप कर दिया, अब ये जो आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जो हर महीने आपको पैसे आते रहेंगे, ठीक है। सेकेंड एक काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक फ्लैट खरीद सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उस पे बना प्रॉपर्टी खरीद ली और उस पे एक बिल्डिंग बना दी, प्लॉट खरीद लिया उस पे बिल्डिंग बना दी, ठीक है, और उसमें फ्लैट टाइप की बना दिए, किसी शहर में रहते हो आप तो आपके शहर में बना लिया, ठीक है, अगर वहां पे इम्पोर्टेंट है और लोग रहते हैं पढ़ने के लिए आते हैं या फिर कुछ भी रहते हो जॉब वगैरह आप अगर अच्छा हो तो, अब आप अपने वो बिल्डिंग बना दी और उसमें 4-5 फ्लैट बना दिए, ठीक है, और 15-30 लाख अगर पार्टनरशिप में करोगे पार्टनरशिप में, और आप और होम लोन लेके भी आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपने चीज बना दी, अब उस चीज का इम्पोर्टेंस क्या है कि हर महीने जो भी किराया रहेगा जो भी उसमें रहेंगे, अगर 4 फ्लैट हैं तो 4 फ्लैट के 15,000 के साथ ला लेते हैं, जान नहीं 10,000 मिनिमम इतना तो चलता है, बनी बी एच के 2 BHK तो 15,000-20,000 ले लो, अगर फर्निश करके देते हो तो 20,000 भी आप चार्ज कर सकते हो, अपन 10 ही लेके चलते हैं, ठीक है, 40,000 रुपये आएंगे आपके, 4-10,000 के हिसाब से चार चार फ्लैट है तो 40,000 रुपये आएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप उस तरीके से बार करते हो तो 15 लाख में प्लॉट आ जाएगा, बट घर बनाने में होम लोन लेकर आप उस तरीके से चीजें कर सकते हो, ठीक है, तो आपका वो एक एसेट बन गया, ठीक है। अब जो आपका उससे पैसा आ रहा है किससे, जो फ्लैट बन गया, ठीक है, आप किराए पे लग गया, तो अब उससे जो पैसा आ रहा है उसका आपका होम लोन भी चुक जाएगा 4 से 5 साल में या 2 साल में 3 साल में, जैसा भी तरीके से आप EMI बनवा के चुकाते हो, ठीक है, तो उस तरीके से आपका एक एसेट बन गया, ठीक है, 4-5 साल बाद फ्री हो जाएगा वो पूरी प्रॉपर्टी आपकी होगी, प्लॉट की वैल्यू, घर बन गया उसकी वैल्यू, और जो पैसे आ रहे हैं वो भी हुआ है, ये एसेट रहता है, ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी में ये डिफरेंस है, ठीक है। देखो आपका काम 15,000 के फोन पे भी चल सकता है और आपके पास मान के चलिए 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, एक और लाइबिलिटी का एग्जांपल देता हूँ, और आजकल लोग ट्रेंड के चक्कर में मैंने ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखा है उनके एक एक 1.5-1.5 लाख फॉलोअर है मान के चलिए, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कुछ 1 मिलियन भी रहते हैं, ठीक है, अब उन पे ले दे के उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ स्पॉन्सरशिप करके 1,000-2,000-2,000-5,000-5,000-10,000 रुपए में ऐड कर करके पूरे साल में 1.5 लाख रुपए की सेविंग कराई, और बाकी उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में लग जाती है, और वो अब वो क्या करते हैं कि 1.5 लाख का आईफोन ले आए, ठीक है, तो अब 1.5 लाख का आईफोन ले आए, 2 लाख का आईफोन ले आए, तो वो उनकी लाइबिलिटी हो गई, ठीक है, और वहीं पे, ठीक है, और वो 20-30 हज़ार रुपए के फोन से भी काम चला सकते, वीडियो बनानी प्रॉपर तरीके से बन जाएगी, ठीक है, तो वो भी वहां पे रहता है, एक नॉर्मल आदमी, एक आज के आजकल टीनेजर सिर्फ शौक के लिए लोगों को बताने के लिए आईफोन लाता है, ना कि उसका यूज करने के लिए, यूज करने के लिए भी आईफोन बहुत बढ़िया है, देखो वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत बढ़िया, अगर आप प्रॉपर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो उस आईफोन से, और मैं तो आईफोन की जहां मैं आपको बोलूंगा S23 Ultra ले आओ, सबसे बेस्ट चीज है वो, बढ़िया रहेगा, बट भाग पे अगर आप सिर्फ लोगों को बताने के लिए आईफोन ला रहे हो ना, तो वो एक आपकी लाइबिलिटी है और उस मानसिकता से आप उस तरीके से चीज नहीं कर पाओगे, वहीं पे अगर आप 20-30 हज़ार रुपए का दूसरा फोन ला रहे हो और 1-1.5 लाख रुपए आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो, कैफे स्टार्ट कर सकते हो आप, छोटे बिजनेस बता रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, एक अगर आपके पास गाड़ी है तो एक फूड ट्रक बनवा सकते हो, तो वो चीजें उस तरीके से आप रन करोगे ना तो उस तरीके से चीजें होंगी और आप पैसे भी कमाओगे, और एक बिजनेस आइडिया लेके चलोगे, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, ठीक है, तो और शेयर मार्केट में भी आप चीज सीख सकते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे, तो अगर आप ऐसे ही उठकर ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे तो मैं जो 1.5 लाख का है ना वो भी सारा पैसा बर्बाद है, उससे अच्छा तो आईफोन ले आना, ठीक है, बट वहां पे बिना ट्रेडिंग के समझे नहीं, म्यूचुअल फंड में SIP करना चालू कर सकते हो, बाकी जो पैसा उसको इन्वेस्ट करना चालू करो ना, आपके पास 1-2-4-5 लाख रुपए है और आप उसको पूरा खर्च कर दोगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो मैंने आपको एसेट और लाइबिलिटी के बारे में डिटेल में समझा दिया, ठीक है, अब आता है चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ठीक है, ये क्या रहता है, दीज आर टू की मैसेज इन दिस चैप्टर, ये 2 चैप्टर हैं इस चैप्टर में, फर्स्ट पे ऑफ योर डेब्ट्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, देखो अब आप पे जो कर्जा है, ठीक है, जिस कर्जे पे ब्याज लग रहा है उस कर्जे को पहले निपटाओ, ठीक है, अब आपने उस कर्जे को निपटा दिया तो उसके बाद क्या करना है कि अब सेकंड थिंग हमको करनी है कि हमको उन चीजों पे पैसे इन्वेस्ट करना है जो हमको क्या पैसा बना के देंगे, एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो हमको पैसा बना के देंगे, आपकी जेब में पैसा ला के देंगे, हम उनको उन चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करना है, ना कि उन चीजों पे लायबिलिटीज पे, ठीक है, और
सेकेंड थिंग है कि नेक्स्ट स्टे फाइनेंशियली हेल्दी बाय स्पेंडिंग योर टाइम इंस्टेड ऑफ योर पे चेक एंड इन्वेस्टिंग एज मच एज योर मनी एज पॉसिबल इन एसेट्स। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, तो पे चेक टू पे चेक रहना ठीक है। अगर आप जॉब करते हो 40-50 हजार रुपए की जॉब करते हो, 20 हजार रुपए की जॉब करते हो, जो भी जॉब करते हो, बढ़िया बात है आप जॉब करते हो। बट अब यहाँ पे जो पॉइंट आने वाला है ना, उसको थोड़ा डीपली समझना। ठीक है, अगर जॉब कर रहे हो 40-50 हजार रुपए की, और अगर आप पे चेक टू पे चेक रह रहे हो ना, 40 हजार आते हैं महीने में खर्च कर देते हो और निपट जाते हो, पर अगले महीने चेक आने का इंतजार कर देते हो, वो ठीक है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अगर आपके पास सेविंग है, उसको एसेट बनाने पे फोकस करो, उसको इन्वेस्ट लगाओ, पैसे को इन्वेस्ट करो जो पैसा कमा के दे। ठीक है, सबसे पहले ये काम करो। ठीक है, अब 40 हजार कमा रहे हो तो 10 हजार रुपये बचाने चालू करो, और एक बार अगर बड़ा अमाउंट हो जाए 1 लाख 1.5 लाख, तो उसको एसेट्स में बनाना चालू करो, या फिर आप कहते हैं म्यूचुअल फंड में SIP करना भी चालू कर सकते हो। अगर आप इतना बड़ा नहीं सोच सकते तो आप थोड़ा सा एक हर मंथली 5-10 हजार की SIP कर दिया करो, और ध्यान ना कर पाओ तो अगर आपकी 20 हजार की सैलरी तो 1000-2 हजार रुपये की SIP करते जाओ हर मंथ, और बाकी आपके पास पैसा हो, घर वालों से ले रहे हो या एक्स्ट्रा ले रहे हो, और कहीं से भी पैसा आ रहा है आपके पास, जाना है तो उसको एसेट बनाने पे फोकस करो। ठीक है, कियोसाकी नोट्स इन दिस चैप्टर दैट रिच डैड पुअर डैड नहीं रिच डैड पुअर डैड दैट द मोस्ट कंफ्यूज देयर प्रोफेशन विद देयर बिजनेस। देखो, ज्यादातर लोग क्या करते क्या है कि प्रोफेशन को बिजनेस से कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वर्किंग इन समबडी एल्स बिजनेस एंड मेकिंग अदर पीपल। तो ज्यादातर लोग करते क्या है कि दूसरों के लिए काम करते रहते हैं जिंदगी भर जॉब में। ठीक है, और दूसरों को अमीर बनाते जाते हैं और खुद वास्तव में गरीब बनते जाते हैं। मैंने ये नहीं कहता कि अगर आपको इमरजेंसी है, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, जॉब करो। ठीक है, अगर आपके अंदर एक पैशन है, एक आग है कुछ करने की, आपका अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, अगर आपका सारा डेब्ट क्लियर है और अगले 6 महीने का, साल भर का आपके पास पैसा बचा हुआ है, तो एक बिजनेस स्टार्ट करो। और अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो जो पैसा आ रहा है आपके पास उसका 50% एसेट बनाने में फोकस करो। ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट क्वोट्स फ्रॉम दिस सेक्शन, ओके, द प्राइमरी रीजन द मेजोरिटी ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास आर फिजिकली कंजर्वेटिव इज दैट दे हैव नो फाइनेंशियल फाउंडेशन, दे हैव टू क्लिंग टू देयर जॉब एंड प्ले इट सेफ, दे कांट अफोर्ड टू टेक रिस्क। ये बड़ी प्यारी बात कही, ये बड़ी अच्छी बात कही इस क्वाड में। ठीक है, ज्यादातर मिडिल क्लास हमेशा किस चीज के पीछे भागते हैं, सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ऑलवेज। ठीक है, तो सेफ्टी के पीछे अपना भारत में कितना युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है आप बताइए। 5 से 6 साल, मैं आपको बताता हूँ, मैं इंदौर में जो देखा, मैंने मुंबई में इतना नहीं देखा, मुंबई में भी है बट ऐसा, और कोटा चले जाओ आप, ठीक है, उसके बाद दिल्ली चले जाओ, मुखर्जी नगर चले जाओ, अगर आप कभी गए हो, मैं तो गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है कि एक आदमी 12वीं पास करके निकल जाता है इंदौर, किसकी पढ़ाई करने के लिए, MPPSC UPSC गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई करने के लिए, UPSC करने के लिए मुखर्जी नगर चलते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं लोग। ठीक है, अब लोग आते हैं मुखर्जी नगर, अब उनका पर्सपेक्टिव क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। अब उनका गोल रहता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब पालना है, और उनकी मानसिकता छोटे से ही है, एक गवर्नमेंट जॉब आ गई, सेफ्टी है कि आदमी है, और बाकी और का जो टेंशन नहीं है, उसके चक्कर में 12वीं बाद 3 साल वो पढ़ाई करने के लिए लगा देते हैं। 3 साल में पढ़ाई कंप्लीट हो गई, फर्स्ट टाइम एजुकेशन और कहते हैं रिजल्ट नहीं आया, अरे इस बार मैं तैयार नहीं हूँ, अगली बार दूंगा पेपर। एक बार पेपर दी, एक बार नहीं निकला, 5 साल ऐसे निकल गई, 1 साल और निकल गई, 7 साल। ठीक है, और 10 लाख 10 लाख लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसमें से सिलेक्शन 2-4 हजार रुपये का आना है, और बाकी लोगों का क्या होगा। आप हमेशा ही ये पॉजिटिव लेके चलते हो कि मेरा तो सिलेक्शन होगा, आप उस माइंड सेट से जा रहे हो। ठीक है, मैंने कहा आपका सिलेक्शन हुआ, अगर नहीं हुआ तो मान के चलिए, एक एक कंडीशन लेके चलिए, 1% आपका सिलेक्शन नहीं होता, वो सिचुएशन भी तो लेके चलोगे ना। ठीक है, सेफ प्ले करना है, बट इतना भी सेफ नहीं खेलना है दादा मेरे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, घर वाले गाली अलग दे, 10 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे, क्या कर रहे हो, है ना सिलेक्शन हो ना कचूर हो, चार चार गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले अलग गाली देंगे, मतलब चिढ़ाएंगे, वो सिलेक्शन, वही पढ़ाई। तो उसके अलावा भी आपको चीजें रखना चाहिए, अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप करो, इंग्लिश सीखो,
ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन स्किल मस्त करो, ठीक है, और अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज सीख सकते हो वो सीखो, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट करो, यूट्यूब से रिलेटेड है तो यूट्यूब करो, बट एक साइड में अपना काम करते रहो, जिससे कि अगर आप जो जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो सिचुएशन लेके चलो ना बाबू, पापा की जमीन है हमको पता है, ठीक है, अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद 7-8 साल की पढ़ाई और उस पढ़ाई पे 15 से 20 लाख रुपए निपटाने के बाद जो पापा करते हैं वही तुम कर रहे हो, तो भाई साहब तुम्हारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर बर्बाद है पापा के, इससे अच्छा तो पहले से ही कुछ कर लेते, इससे अच्छा जो आस पास के गाँव से करते और ऑनलाइन पढ़ाई करते और बाकी सब हो जाता, तो उस मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा तुमको। देखो, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिडिल क्लास फैमिली की, ये तो मैंने अच्छे घर वालों को बता दिया, ठीक है, ज्यादातर लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, जिसके पास 5-10 बीघा 15 बीघा रहती है ना, वो बाप अपने बेटे को पढ़ाई कराने के लिए जमीन तक बेच देता है, जमीन गिरवी रख देता है, गहने गिरवी रख देती है उसकी माँ, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप सोचो कि आप आराम से बैठ कर खा रहे हो और घर पर कोई टेंशन नहीं, घर पर आपकी वो सिचुएशन नहीं देखते, जब आप कॉल पे बात करते हो पापा बोलते हैं खाना खा लिया, सब चीज बढ़िया चल रही, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, और तुम सट्टा मार के मैं बोलूंगा नहीं दारू पी के बैठे हो, या फिर अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं है, हाँ पापा पढ़ाई चल रही है देख रहा हूँ मैं, 2-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो तो सीरियस तरीके से करो, बट चीजें को उस तरीके से भी लेना चालू करो, क्योंकि अगर आप उस तरीके से चीजें नहीं लोगे ना तो आप हमेशा दुविधा में फंसे रहोगे, जब आपके पास सिलेक्शन नहीं हो, जब डिमोटिवेट हो गए, मैंने माना चलो एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार हो गया आपका सिलेक्शन, बहुत कम लोगों का होता है यार, यूपीएससी के चक्कर में हजारों लोगों की जिंदगी आबाद हुई है तो लाखों की बर्बाद हुई है, तो उस चीजों को देखना चालू करो, एक नया पर्सपेक्टिव दो अपने आपकी सोच को कि मैं बिजनेस में क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ मेरे एसेट कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं जो पापा कर रहे हैं उसके पापा के बिजनेस में क्या एक ऐसी चीज ऐड कर सकता हूँ जो पापा के जेब में पैसे ला के दे सके, पापा को ऐसा कुछ करके दे सकता हूँ क्या, मेरे टाइम पे मेरे तरीके से मैं मेहनत करके पापा से तो कुछ पैसे लेके मैं कुछ ऐसा बना के दे सकता हूँ जो पापा को मंथली बेसिस पे तो कुछ अमाउंट उनकी जेब में ऐड कर पा, तो वो चीज देखो मैं पापा की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो बढ़िया है, तैयारी कर रहे हो कोई बात नहीं, बट उसके साथ साथ उस तरीके से चीजें लेना चालू करो, फाइनेंशियल एजुकेट करो, अगर आप आपको फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करोगे ना तो आपकी जीवन, आप मिडिल क्लास में पैदा हुए थे, अगर आप गरीब पुअर क्लास में पैदा हुए थे तो आप पुअर ही रह जाओगे, अगर आपको गरीब ही रह जाओगे आप, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करोगे तो गरीब रह जाओगे, जहाँ पे थे वहीं पे रह जाओगे, जिस गाँव में पैदा हुए थे वहीं पे मर जाओगे, तो उस तरीके से आप चीजों को लेना चालू करो, देखो अगर आपको पैसा कमाना है, अगर अपने घर को समृद्ध बनाना है, पापा के कंधों से बोझ हल्का करना है, पापा को लगना चाहिए कि बेटा कुछ काम कर रहा है, तो अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन दो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी जो समरी में थी, ठीक है, और यही सारी चीजें आपको बुक में भी पढ़ने को मिलेगी, आप चैप्टर 4 पे आते हैं, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसको मैं एक बार में पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, व्हेन रीडिंग दिस चैप्टर इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड कियोसाकी इज दैट वर्डेड एज अ मोटिवेशनल बुक नॉट टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एंड फाइनेंशियल टैक्स एडवाइस, ठीक है, तो रॉबर्ट कियोसाकी थे ना, उन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियल कदम टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं बोला था, बट उन्होंने ये बुक लिखी है फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, ये सीधी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कियोसाकी राइट्स अबाउट द टाइम की व्हाट अ पोर्शे एंड ट्रीटेड इट एज अ बिजनेस एक्सपेंस यूजिंग बिफोर टैक्स डॉलर बाइंग अ हाई लग्जरी हाई एंड लग्जरी कार व्हेन अ मच लेस एक्सपेंसिव मेक अ एंड मॉडल वुड डू कुड पुट एन इन्वेस्टर ऑन फास्ट ट्रैक IRS ऑडिट, समझ गए, पोर्शे खरीदी थी लो इन्वेस्टर्स को बताने के लिए, ठीक है, और वहीं वो एक नॉर्मल लग्जरी कार भी खरीद सकते थे कम पैसों में, ठीक है, बट पुटिंग अ पोर्शे असाइड द पॉइंट मेड इन दिस चैप्टर डिस्कस हाउ टू प्ले द इन्वेस्टमेंट गेम स्टार्ट द रिच अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर एंड टैक्स कोड एंड यूज एवरी कोड लीगल मीन्स दे कैन मिनिमाइज देयर टैक्स बर्डन,
है, कंपेयर हाउ बिजनेस ऑनर एंड इन्वेस्टर विद कॉर्पोरेशन एस सी एस कॉर्प LLC, ये US की कंपनियां हैं, मोस्ट पीपल पिट है। देखो इसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो ना, अगर आप हाई एंड चीजें खरीद रहे हो ना, उनसे टैक्स कैसे बचा सकते हो तो उसके बारे में बताया गया है। कोई प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता नहीं सकता, बट आप कुछ चीजें को डोनेट कर सकते हो, ठीक है, एक चैरिटी स्टार्ट करके काम करना चालू कर सकते हो, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, या फिर आप उन चीजों को, जैसे अपने इंडिया में चलता है, क्या चलता है कि अगर कोई वुमेन के नेम पे बिजनेस है तो उस पर टैक्स कम लगता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट यही है कि मेनली अपन को टैक्स बचाना है, आपको नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहता। बिजनेस ओनर बता कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, देखो एक बिजनेस ओनर रहता है वो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी ऊपर भी बताया गया था उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक बिजनेस ओनर रहता है, कमाता है, खर्च करता है, पैसे भरता है, बिजनेस ओनर। एम्प्लॉय क्या करता है, पैसा कमाता है, ठीक है, पैसा कमाता है, ठीक है, और जो सैलरी आई उसकी, सैलरी के बाद पहले उसकी सैलरी आने से पहले ही टैक्स कट जाएंगे और फिर उसके बाद खर्च करता, तो बिजनेस ओनर और उसमें क्या डिफरेंस है अपने, बिजनेस ओनर और उसमें क्या डिफरेंस है अपने एम्प्लॉय में, कि जो बिजनेस ओनर है पहले पैसे कमाता है, एम्प्लॉय भी अपना पैसे कमाता है, बट बिजनेस ओनर है ना पहले खर्च करता है, ठीक है, बट एक एम्प्लॉय है उसकी सैलरी आने से पहले ही टैक्स कट जाता है, ठीक है, और फिर बिजनेस ओनर रहता है ना सबसे लास्ट में टैक्स भरता है, और बट जो वो एम्प्लॉय रहता है ना वो तीसरे नंबर पे कमाता है। नोटिस दैट एम्प्लॉय हु वर्क फॉर समबडी एल्स स्पेंड देयर मनी पोस्ट टैक्स बाय बिजनेस, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 4 ऑल्सो कवर द 4 मेन कंपोनेंट ऑफ व्हाट कियोसाकी कॉल्स फाइनेंशियल IQ। फाइनेंशियल IQ क्या है उसके बारे में ये 4 चीजें बताई गई हैं, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटजी, मार्केट लॉ एंड लॉ, ठीक है। एज रिच डैड पुअर डैड रिमाइंड अस अंडरस्टैंडिंग द लीगल टैक्स एडवांटेजेस सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ, ठीक है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ये बुक है ना, हमको लीगली हम कैसे अपना पैसा बचा सकते हैं उसके ऊपर के रिगार्डिंग भी बताते हैं, ना कि ब्लैक मनी में ना कर, ठीक है। फॉर इंश्योरेंस इंस्टेंस द कॉर्पोरेशन कैन पे एक्सपेंसेस बिफोर पेइंग टैक्सेस वेयर एन एम्प्लॉय गेट्स, तो मैंने आपको समझाया है वही है, ठीक है, ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है अपना। देखो बिजनेस ओनर रहते हैं ना कंट्रोल हर चीज करते हैं, ऑन नथिंग करते हैं, जहाँ की मिडिल क्लास फैमिली उन चीजें करती है और कंट्रोल उनको बहुत कम करती है। चैप्टर 5 द रिच इन्वेंट मनी, ठीक है, इन्वेंटिंग मनी मीन्स फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी और डील्स दैट अदर पीपल डोंट हैव द स्किल नॉलेज और रिसोर्सेज और कॉन्टेक्ट को, ठीक है। इन्वेस्टिंग पैकेजेस हर बोर्ड बाय, नहीं समझे मैं एक बार समझाऊं क्या, चलो ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। द रिच पैसा इन्वेंट करने का मतलब पैसा बनाने का अमीरों का क्या है, इस चैप्टर का नाम द रिच इन्वेंट मनी, कि जो अमीर लोग रहते हैं ना वो पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, कहाँ पे मिलती है, ओ ऊ ऊ ऊ ऐसे करके वो पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, भाइल जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है वो फैमिली की वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो मानसिकता ही ऐसी रहती है, उनके आसपास में लोग वैसे रहते हैं, ठीक है, वो उस तरीके से सोचते हैं कि घर में ये कम है पहले ये लाएंगे फिर उसके बाद ये लेंगे फिर उसके बाद ले लेंगे, वो सारी चीजें उस तरीके से चलती हैं। इन्वेस्टमेंट पड़ोसी ने ले ली कार 10 लाख की, अपन 15 लाख की लाएंगे, वे अपने रिश्तेदार ने ले ली 20 लाख की कार, अपनी जय कार रहेगी अपन जाएगी एक और कार लाएंगे, तो उस तरीके का होड़ा उड़ी नहीं करना अपन को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पैकेज मीन्स आर बोर्ड बाय द पीपल हु इंटरेस्ट देयर मनी टू अ डेवलपर टू आवर फंड मैनेजर, दिस इज द वे द मोस्ट पीपल इन्वेस्ट शेयर्स बाइंग शेयर्स ऑफ एन, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया था इसको, किस पैसे को दूसरी शेयर वगैरह इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। प्रोफेशनल इन्वेस्टर
लुक आफ्टर देयर ओन इन्वेस्टमेंट रिसर्च द मार्केट फाइंड डील द मेक सेंस देन हायर प्रोफेशनल टू मैनेज द व्यवसाय। प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर रहते हैं पहले खुद अपॉर्चुनिटी जो लाइव मार्केट में जाके देखते हैं, या तो अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो शेयर मार्केट से रिलेटेड पहले खुद खुद पूरी रिसर्च कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं वो पूरी रिसर्च कर ली, जितना फंड अमाउंट करना है एक प्रोफेशनल लोग बंदे को हायर करेंगे और फिर उसको पकड़ा देंगे, ठीक है। और ये तीन चीजें कॉमन रहती हैं एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर में, फर्स्ट जो भी जिसके साथ आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी दैट द अदर पीपल हैव नॉट फाउंड। पहली, या तो जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हो, जिस बंदे को आप आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हो ना, तो उस बंदे के अंदर गट्स रहना चाहिए, इतनी उसकी मानसिकता रहना चाहिए, थॉट रहना चाहिए, उसकी माइंडसेट रहना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पा रहा है जो लोग फाइंड अपॉर्चुनिटी नहीं कर पा रहे हैं आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड, रेज फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है या फिर आप खुद काम कर रहे हो फर्स्ट प्रोसेस में, तो आपको भी ये नहीं आना चाहिए कि आप कैसे फंड रेज कर सकते हो, पैसे कैसे फंड एक पैसा एकत्रित कर सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। वर्क विद अदर इंटेलिजेंट पीपल, ऐसा नहीं कि जो आपका ट्रेडर है जो आपको पैसे मैनेज कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद ही अकेले माइंड सेट लगा रहा है, उसकी मानसिकता से ही रिलेटेड काम कर रहा है और वो दूसरे लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर रहा, और जानकर लोग अपना पैसा ऐसे ही गंवा देते। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर की डार्क रियलिटी बताता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है, कोई भी पैसे बड़े पैसे वाला ट्रेडिशनल पैसे वाला जो बड़ी शॉप है कोई बिजनेस ऑनर करता है, ये पैसा कैसे बर्बाद करते। कोई कॉल आए, हेलो सर, हाँ मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, ओके, हम इतना रिटर्न निकाल के दे देंगे, आप करो, वो बिल्कुल करें। तो यहीं पे ट्विस्ट टर्न होता है, वो एक दो बार प्रॉफिट देख लेते हैं और उनको फॉर्म देते हैं, वो फ्लावर पे उनकी कॉल पर ट्रेड करना चालू कर देते। उनका काम है जो आपको ट्रेड करा रहे प्रॉपर तरीके से, आप उनकी कॉल पर आपने बात की, वो उनका काम है आपको निचोड़ना, जितना पैसा निकाल सकते, 5 लाख पे ट्रेड कराना, प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख हो गया, उसमें से 1 लाख रुपए डलवाए, 50,000 रुपए डलवा के वो पैसे डलवाए उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद वो अगले दिन आपको काम कराए, अगले दिन प्रॉफिट हो गया, आपने उनको डाल दी, और अगले फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जो 5 लाख इन्वेस्टमेंट है जीरो हो गए। फिर एवरेज करिए, एवरेज करिए, एवरेज करिए, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानते हैं उनके लिए मैंने ये बात बता दी, बहुत डीप है, अंदर की बात है, मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो उस तरीके से उन लोगों के साथ काम नहीं करना। तो हियर इज द वन ऑफ माय फेवरेट थॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, सम पीपल आर्ग्यू दैट दे आर नॉट रियल एस्टेट बार्गेन्स वेयर दे आर, बट देर आर प्राइम अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर दैट आर ओवरलुक्ड मोस्ट ऑफ द देखो रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप उस तरीके सोचने चालू करोगे, ठीक है। बहुत बहुत से टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आप रियल एस्टेट में आपने काम किया हो, ठीक है। मैंने एक एक महीने ही काम किया था रियल एस्टेट में, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं नया नया इंदौर में आया था तो रियल एस्टेट से रिलेटेड एक मेरे साथ अपॉर्चुनिटी आई थी। देखो मैं काम कर रहा था, मैं प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, मैं ब्रोकर के साथ काम करता था, ठीक है। एक ब्रोकर था, उसको मैंने बता दी कि ये क्लाइंट लाग दे ये इतना है, वो मेरा कट आउट करके मेरे को दे देता, ठीक है। तो मैंने एक यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था और उसको रन किया, तो उसके बड़े व्यू वगैरह आ रहे थे जब नई नई रील इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टीज फाइंड करना चालू किया, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी आई थी मेरे हाथ में कि जो रियल वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की, आसपास की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो थी 1.5 करोड़ सिर्फ प्लॉट के, सिर्फ प्लॉट के, ठीक है। बट जो प्लॉट था ना वो मतलब उसमें कचरा था, बहुत ज्यादा कचरा था, मतलब गंदगी बहुत ज्यादा, गटर टाइप की, और ये अपनी प्रॉपर्टी थी ये राजेंद्र नगर साइड, ठीक है। तो वहां पे ये प्रॉपर्टी थी, तो वो मैंने देखा, तो वो अपॉर्चुनिटी इतनी तगड़ी थी, आसपास के फ्लैट की कीमत क्या चल रही, 1 करोड़ 1.5 करोड़, और वही सेम सेम फ्लैट सेम प्लॉट 60 लाख में मिल रहा था। और वो अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बहुत कम मिलती है, ढूंढना पड़ता है। सौ प्रॉपर्टीज देखोगे तब मुश्किल से एक प्रॉपर्टी ऐसी आपके हाथ में लगेगी, या तो खंडर टाइप में हुई, क्या ऐसी हुई, उसका रेनोवेशन करके प्रॉपर तरीके से काम करके अगर आप उसमें बिल्डिंग बनाते ना, वो 50 लाख की वो है,
ठीक है, 60 लाख की प्रॉपर्टी आपने एक बार क्लीन कराया, उसकी रियल वैल्यू हुई 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ की मान के चलते हैं, तो आपने डबल पैसा कर लिया ही हूँ, ठीक है। और आप उस पर बिल्डिंग बना के सेल करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी और ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी चीजें कम करते हैं रियल एस्टेट में। तो चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ओहो ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि पैसों के लिए काम करना बंद करो, सीखने के लिए काम करना चालू करो, ठीक है। पुअर डैड वॉज इंटेलिजेंट, गरीब जो उसके पिता थे बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट किओसाकी के, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, एजुकेटेड थे, वर्क फॉर मनी, बट वो पैसों के लिए काम करते हैं क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी, जॉब सेफ्टी चाहिए थी, मीन एवरीथिंग टू हिम। बट रिच डैड जो थे वो एक मिलियनर थे, पैसों को काम पर लगा के, बाय वर्किंग टू लर्न, सीखने के लिए काम करने के लिए, ठीक है। एस क्योसा राइट, आई रिकमेंड टू यंग पीपल टू सीक वर्क फॉर व्हाट दे विल लर्न मोर देन व्हाट दे विल अर्न। देखो आप कोई भी स्टार्टिंग में जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, आप इसलिए काम मत करो कि आपको 15,000 दिए जा रहे हैं, 20,000 दिए जा रहे हैं, 25,000 दिए जा रहे हैं, 30,000 रुपये दे रहे हैं, और आपको एक दो ऑप्शन मिले, एक जगह आपको 20,000 रुपये दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, और सेम एक जगह आपको 25,000 दिए जा रहे हैं, तब काम कराया जा रहा है 9 बजे से लेकर 6-7 बजे तक, तो आप कौन सा चूज करो। एक हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप 25,000 वाला काम चूज कर लोगे, बट वो आपको नहीं करना। सेम हैपेंड विद मी, ठीक है। मैंने अभी मतलब लगभग 6 महीने जॉब किए, ठीक है। तो मेरे पास सेम अपॉर्चुनिटी, एक 25,000 की आई थी और एक 16,000 की आई थी, और 16,000 की वो जॉब अपॉर्चुनिटी थी, मतलब जिस फील्ड में मुझको काम करना था, जिसमें मुझको सीखना था, ठीक है। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करी और मैंने सीखा, 16,000 थी मेरी, ठीक है। बट 3 महीने के अंदर वही सेम जॉब मेरे को 30,000 पे कर रही थी, और प्लस इंसेंटिव लगता उसमें, जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा पैसा, 10 लाख पे, 1 लाख पे 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये इंसेंटिव का काम था, सेल्स वाला काम था, ठीक है। तो सेल्स भी मेरे को सीखनी थी, कोल्ड कॉलिंग सीखनी थी, तो मैं वहां से सीखा, और 3 महीने के अंदर मैं वहां पे मैनेजर, 3 नहीं 4.5 महीने के अंदर मैं उस पर मैनेजर पोजीशन पे आया। मैंने बिजनेस एनालिस्ट से स्टार्ट किया था, सीनियर है बिजनेस एनालिस्ट होना, फिर उसके बाद टीम लीडर बना, टीम लीडर के बाद फिर मैनेजर बन गया मेरी टीम का, मेरी टीम में 7-8 लोग थे। तो ये तरीका रहता है। और ठीक है, जो आपको 3 चीजें और सीखनी पड़ेंगी चैप्टर 6 में, आप बुक के अंदर सीखना, वो मैं आपको ऊपर ऊपर समझा देता हूँ कैसा क्या रहता है। चैप्टर 6 है कैश फ्लो मैनेजमेंट, पैसे कैसे वर्क करता है, कैश फ्लो कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है। और इस चीज को आप समझ गए, कैश फ्लो को समझ गए, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं हो रहा, और कहाँ से पैसा और आ सकता है, कैश फ्लो को समझ गए, तो आप सब आपका सारा काम आसान हो जाएगा। सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम कैसे वर्क करना चाहिए, वो सारी चीज सीखना है आपको। और थर्ड पीपल मैनेजमेंट, अगर लोगों को मैनेज करना सीख गए तो सारी चीज हो जाएगी। और अब 7 चैप्टर है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड बिगिंस बाय नथिंग, नोटिंग दैट द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर, ठीक है। एक अमीर लोग, अमीर आदमी और गरीब आदमी में क्या रहता है डिफरेंस, कि जो अमीर आदमी है ना वो रहता है ना, वो नोट करता है कि प्राइमरी डिफरेंस क्या है लोगों में, वो अपने डर को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ फियर दैट सम पीपल हैव बीन गोइंग टू डेंटिस्ट, वॉचिंग मूवीज और फलाना दिखाना, वो उस डर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपको भूतों से डर लगता है, डाकुओं से डर लगता है, भूत वाली मूवीज से डर लगता है, वो हॉरर मूवी देख नहीं सकते, वो इस डर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं फियर ऑफ लूजिंग आउट, फियर ऑफ लूजिंग मनी, ऑफ हैंडलिंग द फियर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज वन ऑफ द 5 बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दैट फेस ऑन द पाथ बिकमिंग फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। फियर फर्स्ट, ठीक है। स्नेल कुटिलता, थर्ड लेजीनेस, फोर्थ बैड हैबिट्स और एरोगेंस, ठीक है। पहला
फियर, पहला डर रहता है कि लूजिंग मनी इम्पैक्ट इन इन्वेस्टिंग लाइफ एंड सो इज द फार अलोंग विद इट क्योंकि ही नोस दैट ही नेवर मेट अ रैश पर्सन हु हैज नेवर लॉस्ट मनी बट ही इज द मेट प्लेंटी ऑफ प्योर पीपल हु हैव नेवर लॉस्ट अ डायर। देखो भैया मैंने इसको ऊपर ही बताया था, मैं नीचे बता रहा हूँ। रिच रॉबर्ट क्योसाकी ऐसे किसी भी बंदे से नहीं मिले, अमीर अमीर बंदे से, जिसने अपने पैसे गवाए ना हो, खोए ना हो, लूज ना किए हो, ठीक है। बट रॉबर्ट क्योसाकी ऐसे हजारों गरीबों से मिल चुके हैं जो अपने पैसे एक सिंगल पेनी नहीं कमाए, कमाए लूज किए, बट उनको डर लगता है इन्वेस्टर में। तो ये है सिनेरियो। एवरीबडी हैज डाउट दैट इफेक्ट कॉन्फिडेंस, सब अपने के पास डाउट रहते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, कभी डर लगता है उनको, फ्रेंड्स फैमिली कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग ऑफ देम पुटिंग शॉर्ट कमिंग, फ्रेंड फैमिली लोग उनको रिमाइंड करते हैं पैसे भरने हैं, किराया आ रहा है, फलाना ढिकाना, अगले महीने का रेंट भरना है, बिजली बिल भरना है, सब चीजें उनको रिमाइंड करते रहते हैं, और वो उस तरीके से फंस जाते हैं उन चीजों में, लेजीनेस। अरे काम तो बहुत सारे हमारे अंदर, एक मैं आपको बताता हूँ, लेजीनेस हर बंदे के अंदर लेजीनेस भर भर के बढ़ाई है, उसको ज्यादा देर सोना है, ज्यादा देर काम नहीं करना है, तो वो सारी चीजें रहती हैं। लेजीनेस आपको अंदर से किल करती है, अरे कल से काम करूंगा, अरे जॉब ही तो ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है, अरे इन्वेस्टिंग ही तो स्टार्ट करना है, कर लेंगे, वो ऐसे काम नहीं होता, उस चीज को समझो आप। बैड हैबिट्स बुरी आदतें, बैड हैबिट्स से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताऊं, ठीक है, बैड हैबिट्स में क्या क्या आता है इसमें और बता दूँ थोड़ा, फाइनेंशियल एजुकेशन से हैबिट्स कंट्रोल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पीपल पे देयर बिल्स फर्स्ट बिफोर दे पे वे देम सेल्फ, द रिजल्ट इज दैट देयर इज यूजली लिटिल लेफ्ट ओवर एवर एंड ऑफ। तो ज्यादातर लोग करते क्या है, 100% 99% लोग ये करते हैं, पहले बिल पे करते हैं, और किसी सिटी में रहते हैं, घर पे रहते हैं, कहीं पे भी आए, जॉब कर रहे हैं, पहले घर का रेंट, फिर उसके बाद बिजली का रेंट, फिर EMI, फिर उसके बाद एक और EMI, फिर उसके बाद जो भी सारा सौदा सामान सट्टा लाना है खाने पीने का वो ले आए, और फिर उसके बाद ऐसे करते करते उनके एंड में जो 20 30 40 हज़ार रुपये सैलरी आई है उनकी, ऐसे निपट जाती, 50 हज़ार रुपये निपट गई। तो इस तरीके से वो करते हैं ना, तो उनके पास एक भी पैसा नहीं पड़ता, बस सिंगल पेन, और वो खुद पे इन्वेस्ट, खुद को, खुद के ऊपर, खुद की नॉलेज के ऊपर, खुद के पर्सनल ग्रोथ पे एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ये बताया, तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट इवन इफ यू डोंट हैव मनी टू पे अदर मेक यू फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर मेंटली एंड फिजिकली। देखो आपकी, देखो आपके पास, आपके साथ क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं बचता खुद को पे करने के बाद, मतलब आपके पास पैसा नहीं बचता, आप सारे बिल्स पे करते हो, उसके बाद आपके पास पैसा नहीं बचता आपको खुद की लर्निंग पे इन्वेस्ट करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ पे, ठीक है, और एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कुछ स्कीम। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक अमाउंट डिसाइड कर लो कि आप खुद की लर्निंग पे हर मंथ कितना खर्च करने वाले हो, हर मंथ आप कितना पैसा बचाने वाले हो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, बिल्ड करने के लिए। पहले वो अमाउंट वो सेविंग अकाउंट में डाल लो, आपके पास दो अकाउंट है तो हार्ड नहीं है, तो एक अलग से अकाउंट खुलवा लो, उसमें डालना चालू करो, वो पैसे को बचाना चालू करो, ठीक है, आपको पैसे को बचाना चालू करो या फिर इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड में, SIP करना चालू कर दो, ठीक है, वो SIP करी, फिर उसके बाद बाकी सारे काम करने हैं आपको बिलवा के, ठीक है। व्हेन यू डेवलप द हैबिट ऑफ पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट यू बिकम मोटिवेटेड बाय द फियर ऑफ बीइंग एबल टू पे क्रेडिटर्स, इन टर्न यू बिगिन लुकिंग फॉर द टर्म्स ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट। तो आप खुद को पे करना चालू करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखना चालू करोगे, ठीक है। एरोगेंस, एरोगेंस के बारे में और बता देता हूँ, इन्वेस्टर नो व्हाट मेक्स देम मनी बट इट्स द थिंग दे डोंट नो एंड डोंट नो दे डोंट इन्वेस्ट। देखो भाई साहब, अब मैं आपको बहुत अच्छे से, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, एरोगेंस ना समझना, ठीक है। अब जो अमीर लोग रहते हैं ना, जो वो चीज जानते हैं, जिनको उनकी चीज नॉलेज है, या फिर उनको जो काम उनके लिए कर रहा है उसको अच्छी खासी नॉलेज है, तो ही वो काम करते हैं, और खुद को नॉलेज है तभी उस चीज में पैसे डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उनको नॉलेज नहीं है तो वो नहीं करते, ठीक है भाई। एक जो आम आदमी रहता है, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा रहता है,
अभी उसने किसी से आइडिया सुना रेस्टोरेंट खोलने का, कैफे बहुत चल रहे हैं भाई साहब, रेस्टोरेंट भी बहुत चल रहे हैं, खाने का प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत तगड़ा चल रहा है, खोल लो आपका बहुत तगड़ा चलेगा। उसने बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया, किसी दोस्त का चल रहा है, तो उसने वो सारी चीजें सुनकर अपना कैफे चालू कर दिया, रेस्टोरेंट चालू कर दिया, आगे पीछे की नहीं सोची उसने। उसने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया ठीक, पर आपको उसको 2-3 महीने बाद पता चलता है मेरे को ये काम आता ही नहीं, प्रॉपर तरीके से आ ही नहीं रहा, बिजनेस चल ही नहीं रहा। तो उन्होंने बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या रहता है कि वो पैसे गवा देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली इसी तरीके से बिजनेस में फेल होती है, ज्यादातर 90% लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती और काम स्टार्ट कर देते हैं। भाई जो अमीर लोग रहते हैं ना, उनको नॉलेज होती है तभी वो इन्वेस्ट करते, नहीं नहीं करते। चैप्टर 8, रिच डैड पुअर डैड, डैड नहीं अरे इस चैप्टर में बताया गया, एक मिनट और पढ़ लेता हूँ। देखो इस चीज में एक बहुत बढ़िया प्यारी चैप्टर बताई बताई गई है कि जो है कि लोगों का पैसा रहता है, अपॉर्चुनिटी उनके पास हर जगह रहती है, बट वो उनको अपॉर्चुनिटी को फाइंड नहीं कर पाते और उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। फिर 5 चीज मैं आपको बताता हूँ। हैव अ डीप इमोशनल रीजन फॉर पर्पस फॉर डूइंग व्हाट यू डू, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू डोंट वांट। तो पहले आपको ये क्लियर करो आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आपका पर्पस क्या है लाइफ में, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो करने के पीछे, ठीक है। सेकंड, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ चॉइस एंड चूज डेली व्हाट टू डू, इंक्लूडिंग चूजिंग द राइट हैबिट्स और एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो हर दिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपके पास चॉइसेस रहती हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डेली आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो उन चीजों को आप किस तरीके से डील करते हो, तो वो चीजें रहती हैं, ठीक है। तो इसको आपको करना है, ठीक है। और आगे जाते हैं, हर चॉइस को आपको लेना। देखो ये चॉइस जो मैं ले रहा हूँ, जैसे कि अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज होती, अभी आज जैसे डे 5 है तो मैं आज वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है। तो 10 बजे तक, मैं 10 बजे से पहले वीडियो बना के डाल देता हूँ, 8 बजे, ठीक है। तो ऑफिस से मैं छूटा लेट, 7 बजे छूटा, फिर 5 बजे छूट जाता हूँ, ठीक है। तो मैं आते आते 8 बज गए थे, ठीक है, आते आते 8 बजे। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए, नहीं बनाई जाए, नहीं बनाई जाए, क्या किया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि वीडियो तो बनेगी, जो भी हो भले एडिटिंग ना हो उसमें, बट वीडियो बनेगी और डाएगी। 75 हार्ड डे का चैलेंज है। मैंने चॉइस किया कि मेरे को वीडियो बनाना है, बाकी बाद में काम कर लेंगे, जो भी काम रहेगा। तो मैंने चूज किया कि मेरे को खुद को बेटर बनाना है, और मेरे को पास अपॉर्चुनिटी रहती कि एक मूवी देखूँ या फिर बुक पढ़ूँ। मैं बुक पढ़ता हूँ और मूवी भी देख रहा हूँ ना, तो उस चीज से रिलेटेड मूवी देखता हूँ जो मेरे को सीखना है। जिसकी फॉर एग्जाम्पल, जिसकी आपको एंटरटेनमेंट पसंद है, ठीक है, तो आप मूवी किस तरीके से देखते हो कि हाँ ये फैंटास्टिक सीन आ गया, ये क्या डायलॉग मारा। तो अगर उन चीजों को देखो ना, जिस तरीके से वो लाइव बता रहे हैं, जिस तरीके से वो कैमरा घूम रहा है, लोगों की लाइफ के रिगार्डिंग बजा रहा है, लोगों पे फोकस करो, उनका बिहेवियर कैसा चल रहा है, उन चीजों पे नोटिस करना चालू करोगे ना, तब आप रियल में जो मूवी देख रहे हैं ना, उसको देखने का सार निकलेगा। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से मूवी देख रहे हो ना, तो मत देखो, कोई मतलब नहीं। चूज योर फ्रेंड कैरेफुली, लेवरेजिंग द पावर ऑफ द, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको देता हूँ, देखो जो आपके दोस्त हैं उनको केयरफुली चूज करो, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल विद हुम यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आप उन लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। और 5 समझदार लोगों के साथ समय स्पेंड कर रहे हो ना, तो 6वें समझदार आप हो। 5 लोगों के साथ, 5 गरीबों, 5 मिडिल क्लास फैमिली के दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करो, 6वें मिडिल क्लास आप हो, ठीक है। फोर्थ, मास्टर द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली एंड डेवलप अ फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी। जल्दी सीखे ना, पैसे कमाने पर ध्यान देना चालू करो। पे योर सेल्फ सर्विस, देखो पे योर सेल्फ सर, फर्स्ट आपको फर्स्ट पे करना है, सेल्फ डिसिप्लिन सीखना है, कैश फ्लो समझना, पीपल लोगों को ये एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ जो जो अपन को करना है, जो करना चालू करो, ठीक है। खुद को पे करना चालू करो,
कैसे संभालो। फिर सिलेक्ट ग्रेट पीपल फॉर योर टीम, तो उन लोगों को चूज करो जो आपके साथ पैशनेटली काम करते हैं, आप उन वो उनका खुद का भविष्य आपके साथ देखते हैं, आपकी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के लिए, डिमोटिवेट लोगों के लिए जिनकी एज 30 साल हो गई, 25 साल हो गई, 35 साल हो गई और वो सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर जो टीनेजर्स रहते हैं, 20s में रहते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं। आपको लोगों को परखना पड़ेगा। 35 साल का अगर बंदा है, उसके अंदर जुनून है, उसको हायर करो। 30 साल का है, हायर करो, उसके अंदर जुनून है। और 20 साल का भी बंदा है जो आपको बेस्ट दे सकता है, उसको हायर करो। ठीक है, एट आस्क 6th 7th है, हाउ फास्ट डू आई गेट माई मनी बैक यू आर फोकसिंग ऑन द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे कि मान के चलिए 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, उस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप कितने समय में, आपका जो पैसा है इन्वेस्टेड है, वो कितने समय में बाहर निकल पाएगा उस इन्वेस्टमेंट से। टाइम निकालो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो चीज आपको निकालनी है। इट यूज मनी जनरेटेड बाय एसेट यू ऑन ऑन टू बाय लग्जरी बाय फोकसिंग ऑन सेल्फ। ये बहुत प्यारी बात कही। क्या बात कही, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको लग्जरी चीज खरीदना है, आपको आईफोन खरीदना है, आपको बड़ी कार खरीदनी है, लग्जरी कार खरीदनी है, ओडी खरीदनी है, BMW खरीदनी है, तो आप उन पैसों से खरीदना जो पैसे आपके एसेट से आ रहे हैं। ठीक है, पहले जो आपके पास पैसा आ रहा है उसको एसेट में इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब एसेट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अब एसेट से जो पैसा आ रहा है आप एसेट बनाने पे भी फोकस कर सकते हो, बट आपके पास एक अमाउंट आप लेकर उस पर इन्वेस्ट करो, किस पे, आपके लग्जरी जो भी आप ऑन करना चाहते हो, जो भी खरीदना चाहते हो, तो एसेट से पैसा आ रहा है ना, उसको पे करना चालू करो। ठीक है, तो हैव अ रोल मॉडल टू फॉलो, टैप इनटू योर पावर, यू एक रोल मॉडल बनाओ, उसको फॉलो करो। ठीक है, 10th रियलाइज दैट इफ यू वांट समथिंग यू नीड टू गिव समथिंग फर्स्ट। देखो, अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको पहले देना पड़ेगा। ठीक है, इस बुक को पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, वो और बता देता हूँ। ठीक है, 10th प्रोवाइड अ कॉन्ट्रा ट्रेन व्यू दैट इज डिफरेंट कॉमन नॉलेज ऑन द मोस्ट ऑफ द 90% लोगों की जो फाइनेंशियल एजुकेशन है क्लियर कट नहीं, उनसे डिफरेंट माइंडसेट आपको सीखने को मिलता है इस किताब में। सेकंड, फोकस ऑन टर्निंग इनकम यू अर्न इनटू एसेट टू प्रोड्यूस इवन मोर इनकम। ठीक है, जो भी आपके पैसे आते हैं, सैलरी आती है, उसको आप कैसे एसेट बनाने पे फोकस कर सकते हो, उससे रिलेटेड सीखने को मिलता है आपको। थर्ड, एनकरेज कंट्रोल स्पेंडिंग एंड एक्सपेंसेस, आपके पैसों को कंट्रोल करना सीखोगे आप इसमें, कि कैसे एक्स्ट्रा गैर फालतू के खर्चे कम करें और उसको इन्वेस्ट करना चालू करें। ठीक है, एक्सप्लेन बाय इन्वेस्टर्स फॉर फोकस ऑन रियल एस्टेट एंड अदर अदर एसेट टाइप। बस तो रियल एस्टेट पे क्यों फोकस करना चाहिए लोगों को, उस पर भी बताया गया। एम्फसाइज द पावर ऑफ थॉट एंड कंटिन्यू लर्निंग, लगातार सीखने पे भी फोकस किया है। टॉक्स अबाउट एक्शन इन जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में बताया गया। अब इस बुक की कमजोरी क्या क्या है, सक्सेस एग्जाम्पल इन द बुक आर यूनिक है, क्योंकि जी बुक में बहुत अच्छे सक्सेस एग्जाम्पल है, बट बहुत हार्ड है इम्प्लीकेट करने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने ये बुक लिखी थी ना, तब कंडीशन, मार्केट सिचुएशन अलग थी। अब जो मार्केट सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, वो बहुत अलग है। ये बुक 1997 में लिखी गई, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस बात से आप पता लगा सकते हो कि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन होगी। US में लिखी गई थी, अपने इंडिया में नहीं लिखी गई थी, तो इसमें जो चीजें बताई गई हैं अप्लाई तो होंगी और करोगे भी आप, बट हार्ड रहेगी, थोड़ा डिफरेंट रहेगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको 3 4 5 बार इन आइडिया को जो बुक में बताएंगे उनको अप्लाई करना चाहते हो, पढ़ने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हो रियल एस्टेट में। सेकंड, सम पार्ट ऑफ द बुक आर लैक डिटेल बट मे टेक द कॉन्सेप्ट डिस्कस मोर डिफिकल्ट टू अप्लाई। अब इस बुक में है ना, और छोटी छोटी डिटेल्स है ना, उन पे फोकस नहीं किया गया, डिटेल में काम नहीं किया गया, ऊपर ऊपर बता दिया ऐसा ऐसा वैसा होता है। ठीक है, तो उस कारण से थोड़ी वीक है। फ्रिक्वेंटली ड्रीम डीमंस डी मीन्स
पीपल हु आर मोर कंफर्टेबल पोलिंग देयर हार्ड रेदर देन थिंकिंग फॉर देमसेल्फ। देखो, और एक और बात, ज्यादातर लोग करते क्या है कि सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो सेम इस बुक में भी है कि आप मोर कंफर्टेबल जब चीजों को सीखोगे, खुद से अप्लाई करोगे, तब आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें नेक्स्ट, रिच डैड पुअर डैड इज अ मोटिवेशनल बुक, नॉट अ बुक रिटन बाय फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये हमारे रॉबर्ट के साथ जो होता है ना, फाइनेंशियल एक प्रॉपर कोई एक्सपर्ट नहीं जो आपको पर्सनल गाइड कर रहा है, पर्सनल कंसल्ट कर रहा है। अगर आप उनसे पर्सनल कंसल्ट करोगे ना, तो बात अलग रहेगी। बट जी, उन्होंने एक प्रॉपर बंदे को एक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए, जो हर एक बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसमें बताया गया। तो ये सारी आज के लिए थी। तो आज के लिए दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत ज्यादा सीखा, और रिच डैड पुअर डैड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, कोई भी यूट्यूब चैनल पे इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, और इतनी शांति तरीके से कोई नहीं बताता। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और पूरी पूरी वीडियो देखो। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।